जय श्री राम। नमस्कार प्रिय साथियों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने ज्योतिष केदार चैनल पर। आज का हमारा विषय है कुंभ लगन के फल के बारे में जानेंगे। कुंभ लगन में उत्पन्न बालक का स्वभाव किस प्रकार का होता है, किस क्षेत्र में उनको विशेष सफलता प्राप्त होगी, किस वर्ष में होगी उनका भाग्योदय वर्ष जानेंगे, कौन सा रत्न उनके लिए शुभ रहेगा, कौन सा रंग उनके लिए शुभ रहेगा जानिए। कुंभ लगन का स्वामी शनिदेव माना गया है। इस लगन में उत्पन्न बालक सुंदर मुखाकृति वाला, नयन नक्षे तीखे तथा पतली कमर वाला होता है। यह लगन वालों में गुस्सा सब में अधिक होता है, गुस्सा तो इनकी नाक पर ही होता है, परंतु यह लगन वाले लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। अक्सर प्रेम संबंधों में वह बहुत अच्छे माने गए हैं। इनको सखी संबंधियों की सहायता थोड़ी कम प्राप्त होती है। इनकी कुंडली में यदि शनिदेव शुभ अवस्था में तो इनका व्यवहार कुशल, तर्क वितर्क करने में माहिर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। इनकी गणना बुद्धिजीवों में की जाती है। दूसरों के मनोभाव को समझ लेने की इनमें विशेष क्षमता होती है। वह बालक का व्यवहार कुशल, नीति के अनुसार आचरण करने वाले, तर्क वितर्क करने में कुशल, बुद्धिमान और धार्मिक होते हैं। वह स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, किसी अंडर काम करना पसंद नहीं करते, स्वयं का काम करना अधिक पसंद करते हैं। यह बालक उच्च अधिकारी, इनको यदि आपके लगन का स्वामी शनिदेव और गुरु के ग्रह की स्थिति शुभ है तो आप एक उच्च अधिकारी बन सकते हैं। एक उच्च पदासीन क्रिया विक्रिया में प्रोफेसर, वकील, जज तथा धनी व्यापारी होंगे। प्रारंभिक जीवन तो थोड़ा सा आपका कठिनाइयों से व्यतीत होगा, परंतु मध्य ते अंतिम अवस्था में आपको पूर्ण सुख प्राप्त होगा। आपको ये क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होगी। वकील, प्रोफेसर, जज, उच्च पद नौकरी सेना विभाग में, पुलिस विभाग में, विभाग कोई भी हो सकता है, उच्च पद नौकरी प्राप्ति का भी योग बनेगा। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव द्वारा शश नाम योग का निर्माण किया गया और गुरु ग्रह शुभ स्थिति में होगा तो आप ही एक उच्च पद नौकरी को प्राप्त करेंगे। आप जमीन से लेकर आसमान की बुलंदियों को छूएंगे। किस वर्ष की आयु में छूएंगे वह जाने। 22, 24, 28, 32 वर्ष की आयु में आपका विशेष भाग्योदय होगा। यह आपके भाग्योदय भी वर्ष भी हैं। आपके लगन का स्वामी का शुभ रत्न नीलम है, उनका शुभ रंग काला माना गया। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति शुभ है तो आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं तो आपको शारीरिक कष्ट तथा अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शनिदेव ही न्यायप्रिय देवता है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। आपको जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना। यदि आप झूठ बोलते हो तो आपका शनि खराब होता है, जिसके कारण आपको जीवन में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शनि से संबंधित वास्तु दान करना, शनिदेव की आराधना करना, वृद्ध आश्रम में अन्नदान करना आपके लिए सबसे उत्तम माना गया है। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव शुभ है या अशुभ है, दोनों स्थितियों में आपको शनिदेव की आराधना तथा उससे संबंधित वस्तुएं दान करना आपके लिए प्रिय साथी उत्तम माना गया है। यह चैनल पर आपको राशिफल तथा योग तथा वास्तु टिप्स से संबंधित सभी वीडियो उपलब्ध मिलेंगी। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हों तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रिय साथियों, आपका समय शुभ रहे। नमस्कार।